राशिद लतीफ ने जावेद मियादाद को थप्पड़ मारा। राशिद लतीफ साहब ने चपेट मार दी मियादाद। पीजे मीर का साबिक कौमी क्रिकेटर पर इल्जाम। पीजे मीर गलत बयानी पर मुआफी मांगे। लीगल नोटिस में राशिद लतीफ का मुतालिबा। तजियाकार पीजे मीर के लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद को थप्पड़ मारने के इल्जाम के खिलाफ साबिक कौमी टीम क्रिकेटर राशिद लतीफ भी मैदान में आ गए। पीजे मीर की गलत बयानी राशिद लतीफ को एक आंख न भाई, जिस पर साबिक क्रिकेटर ने तजियाकार को लीगल नोटिस भेज दिया, जिसकी तस्दीक राशिद लतीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर की। एक्स पर साबिक क्रिकेटर ने पीजे मीर के इल्जाम की तर्दीद करते हुए लिखा कि मैंने लेजेंड जावेद मियादाद को कभी थप्पड़ नहीं मारा और ना ही आवाज बुलंद की। जावेद भाई ना सिर्फ क्रिकेट के लेजेंड आईसीसी बॉल ऑफ फेमर हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के कौमी हीरो और फख्र हैं। मुझे उनकी कप्तानी में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने का एहसास हासिल हुआ। वो क्रिकेट का इदारा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उसे बाप की तरह इज्जत देता हूँ। राशिद लतीफ ने मजीद लिखा कि अटॉर्नी के जरिए मैंने मिस्टर पीजे मीर को गैर मशरूत मुआफी मांगने और 14 दिनों के अंदर मुनासिब रुजू करने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया है, जो मेरे और जावेद भाई के बारे में किए गए फजूल तबसरों से मुतालिक है। वाज़ह रहे कि पीजे मीर ने इल्जाम आयद किया था कि 1993 में राशिद लतीफ ने ड्रेसिंग रूम में जावेद मियादाद को थप्पड़ मारा। राशिद लतीफ साहब ने चपेट मार दी मियादाद। मियादाद बेचारा बाहर बैठा है, मुझे अफसोस हुआ। अ ग्रेट भैया, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई होगी 93 की जी बेंटी का।